एक ऐसी क्या चीज बनी है कि आगे चल के बिल्डिंग बनाना छोटे बच्चों की चीज होने वाली है। ऐसा क्यों है कि जो लोग 2050 तक जिंदा होंगे वो कभी मरने ही नहीं वाले? भाई ये तो कुछ भी नहीं है, फ्यूचर में आने वाली चीजें हमारे दिमाग के परे हैं। तो वीडियो पूरा देखना, बहुत ही मजेदार होने वाला है। नंबर वन, इमेजिन करो आप एक दिन उठे और आपका फोन गायब हो चुका है, लेकिन फ्यूचर में फोन गायब होने वाला है। इनकी जगह पर आप एडवांस ट्रांसपेरेंट स्क्रीन और स्मार्ट वॉच लेकर घूमोगे जो इतने एडवांस होंगे जिन्हें आप फोन की तरह भी इस्तेमाल कर सकोगे। आंखों में पहनने वाले ऐसे चश्मे आ जाएंगे जिसमें आपको सारी चीजें दिखाई देंगी, जिसे आपको हाथों से कंट्रोल करने की भी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बल्कि आप अपने आंख के इशारे पर सब कर पाओगे। ये टेक्नोलॉजी एप्पल ऑलरेडी दिखा चुका है अपने वीआर हेडसेट के जरिए, जो कुछ सालों में इतना एडवांस हो जाएगा कि वो नॉर्मल चश्मे जैसा लगेगा। अगर मोबाइल फोन रहे तब भी स्क्रीन ऐसे ही होंगे कि उनके आप आर पार देख पाओगे और मोड़ के जेब में भी रख लोगे, मन करेगा तो उसे बड़ा भी कर लोगे। ये सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल तो है, पर इंतजार सिर्फ इन सबके एक ही चीज में बन कर आने का है। भाई वीडियो में मजा आ ही रहा है तो एक सेकंड निकाल के चैनल को सब्सक्राइब मार दो, आगे भी ऐसा ही मजा आते रहेगा। नंबर 2, 2050 तक 50 से भी ज्यादा कार्स इलेक्ट्रिक होंगे। रोड्स पर सिर्फ इलेक्ट्रिक ही नहीं, आप सिर्फ कार में बैठोगे और अपनी कार में लोकेशन डालोगे और कार अपने आप आपको जहां आपका मन करेगा वहां ले जाएगी। टेस्ला में ये फीचर अभी भी मिलता है, लेकिन ये अभी इतना एडवांस नहीं है, लेकिन फ्यूचर में ये होने की पक्की बात है कि आपको हर जगह बिना ड्राइवर के भूतिया कार दिखेंगे। ट्रक ड्राइवर्स की जॉब शायद चली जाएगी क्योंकि ऑटोनोमस ट्रक बिना आराम के दिन रात चल सकते हैं और इनको सिर्फ अपने आप को चार्ज करने के लिए रुकना पड़ेगा। बसेस और टैक्सी भी ऑटोमेटिक हो जाएंगे जिसमें बहुत पावरफुल एआई होगा, जिसकी वजह से भीड़ भाड़ वाले इलाके में ये कार्स आराम से चल पाएंगे। मेट्रो की जगह इलॉन मस्क के 1100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाली हाइपर ट्रेन ले लेगी, जिसमें लोग एक शहर से दूसरे शहर कुछ मिनटों में पहुंच जाएंगे। नंबर 3, वाईफाई। क्या आप भी अपने पड़ोसी या किसी कैफे में जाकर वाईफाई यूज करते हो तो आप ये ज्यादा दिन तक नहीं कर पाओगे, क्योंकि कुछ टाइम बाद शायद आपको वाईफाई देखने को ना मिले। अरे रुको भाई, इतने परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वाईफाई की जगह लेने वाला है लाईफाई। लाईफाई में हम डेटा रेडियो वेव्स के रूप में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन जर्मनी के एक साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना हम रेडियो वेव्स की जगह लाइट का यूज करें। ऐसा इसलिए क्योंकि लाइट की स्पीड इस दुनिया में सबसे तेज है। लाईफाई को यूज करने के लिए आपके घर में ये लाइट लैंप्स की तरह फिट हो जाएगा, जिससे आप इंटरनेट चला पाओगे। लाईफाई पूरे 10 गुना ज्यादा तेज है वाईफाई से, लेकिन इसमें एक दिक्कत उनके लिए है जो पड़ोसी का वाईफाई यूज करते हैं, क्योंकि इस टेक्निक में लाइट का यूज होता है डेटा ट्रांसफर करने के लिए, जो रेडियो वेव्स की तरह दीवार के आर पार नहीं जा सकता, इसलिए आप किसी का भी लाईफाई नहीं यूज कर पाओगे। नंबर 4, एआई एंड रोबोट्स। भाई आपको इसका अंदाजा तो चैट जीपीटी से लग गया होगा कि एआई कितना यूजफुल और पावरफुल है, लेकिन ये तो बस एआई के एकदम बिगिनिंग है। और भी एडवांस एआई आने के बाद सारे काम एआई करेगा और हर किसी के घर में ऑप्टिमस जैसे रोबोट होंगे। नहीं, ये कुछ ज्यादा हो गया, पर काफी डिसेंट रोबोट्स होंगे। इलॉन मस्क ने कहा है कि उनका प्लान टेस्ला को एक कार कंपनी बनाने का नहीं था, वो तो बस शुरुआत थी। असल में मस्क तो ह्यूमनॉइड रोबोट बनाने में लगे हुए थे। ये रोबोट आने वाले टाइम में ये हर जगह दिखाई देंगे, जैसे आपके घर में ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर की जगह होटल्स में और फैक्ट्री और वर्कशॉप में तो रोबोट्स अभी से देखे जा सकते हैं। डेविड लेवी ने ऐसा प्रेडिक्ट किया है कि 2050 तक ऐसे रोबोट्स भी होंगे जो ह्यूमन इमोशंस को फील कर पाएंगे, जिसमें अच्छी तरह से बात करने की क्षमता होगी और इंसानों के साथ रिलेशनशिप भी बना पाएंगे। नंबर 5, कंप्यूटराइज्ड ब्रेन्स आने वाले हैं। 10 या 20 सालों में साइंटिस्ट को लगता है कि हम इंसानी दिमाग के डेटा को किसी भी कंप्यूटर में डाल सकेंगे, जो इंसान को हमेशा की जिंदगी देगा किसी रोबोट के रूप में। कई साइंटिस्ट का कहना है कि 2045 तक इंसान की मेमोरीज को आर्टिफिशियल बॉडी में डालने की कोशिश की जा रही है, और डॉक्टर कोइन का कहना है कि इनका एक्सपेरिमेंट सिर्फ अमर होने के लिए नहीं है, बल्कि लोगों को आजादी देने के लिए है। जो इंसान जीते जी नहीं कर सका वो चीज ये मरने के बाद भी कर सकते हैं, जैसे सूरज के करीब जाना। अगर हम 2050 तक भी इंसान के दिमाग को कंप्यूटर में नहीं डाल पाए, तब भी आज के लोगों के पास अमर होने की एक उम्मीद है, क्योंकि दूसरे साइंटिस्ट ये ढूंढने में लगे हैं कि ब्रेन को खराब होने से कैसे बचाया जाए। अगर हम इंसान के दिमाग को बचाने में कामयाब हो जाते हैं, तो हम जब भी दिमाग अपलोड करने वाली टेक्नोलॉजी बनेगी, तब आज के इंसान को जिंदा किया जा सकेगा। नंबर 6, फ्यूचर में घर और बिल्डिंग बनाना बच्चों की चीज हो जाएगी। अभी से ही दुबई में एक पूरी बिल्डिंग सिर्फ 3D प्रिंटिंग से बनाई गई है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसका बेस सिर्फ 17 दिन में बनकर तैयार हो गया था। ये टेक्निक इतनी एडवांस है कि मार्स पर जो कॉलोनी इलॉन मस्क बनाना चाहते हैं वो भी इसी टेक्नोलॉजी से बनाई जाएगी। अगर ये टेक्नोलॉजी ऐसे ही एडवांस होती रही तो पूरी दुनिया में सारी बिल्डिंग 3D प्रिंट हो जाएगी। भाई पहले कलर फोटो प्रिंट करना मुश्किल होता था, अब पूरी की पूरी बिल्डिंग प्रिंट हो रही है। नंबर 7, बॉडी पार्ट्स। इंडिया में हर साल 500,000 लोग ऑर्गन ना मिलने की वजह से मर जाते हैं। टेक्नोलॉजी नए नए तरीके दिखा रही है जिससे इंसान और लंबे समय तक जी सके, जब तक उसे कोई ऑर्गन नहीं मिल जाता। जैसे डायलिसिस, इंसान के पास किडनी ना होने पर भी इंसान को लंबे
समय तक जिंदा रख सकती है। ऐसे ही हाल में कुछ पेशेंट्स को आर्टिफिशियल हार्ट भी लगाया गया है। लैब में बने ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट की सारी दिक्कत खत्म कर देंगे, जिन्हें किसी और इंसान के मरने का इंतजाम नहीं करना पड़ेगा जिनसे वो ऑर्गन ले सके। डॉक्टर अभी भी लैब में बनाए गए ब्लैडर को इंसानों में लगा रहे हैं। नंबर 8, स्मार्ट टैटूज। भाई इंसान टैटू बनाने के लिए इतने पागल हो चुके हैं कि कोई आंख पे टैटू बनवा रहा है तो कोई नाक पे, और ऐसी जगह भी जहां आपको नहीं बता सकता। लेकिन भाई ये स्मार्ट चीजों का जमाना है। स्मार्ट टूथब्रश से लेकर टॉयलेट सीट तक सब स्मार्ट है। लेकिन अब टैटू भी स्मार्ट हो रहे हैं। स्मार्ट टैटूज किसी पतली चिप की तरह है जो आपकी बॉडी से चिपक जाएंगे और आपके पसीने से चार्ज होती रहेंगे। बिल्कुल सही सुना, पसीने से चार्ज होंगी। ये चिप को टच करने पर आप अपने टैटू से अपना मन पसंद गाना भी सुन पाओगे। भाई ये तो आपने जान लिया, पर आज ये बचपन की चीजें कैसे दिखती है। आईफोन ने इस बच्चों वाले मोबाइल के फोन से कौन सी चीज चुरा ली है। भाई ये वीडियो नहीं देखा तो क्या देखा, तो इसे अभी दबाओ। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब मारो भाई, और इस वीडियो को लाइक ठोक देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।